साथियों नमस्कार। योगा एंड अल्टरनेटिव थेरेपी चैनल में आप सबका हार्दिक स्वागत, हार्दिक अभिनंदन है। साथियों आज हम लोग चर्चा करने वाले हैं चेतना का मनोवैज्ञानिक अध्ययन। चेतना के विभिन्न परतों के बारे में चर्चा करेंगे, साथ ही साथ चेतना के उन पक्षों की चर्चा करेंगे जो मनोविज्ञान के मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण से उसके विभिन्न आयाम हैं, विभिन्न डायमेंशन हैं, उन डायमेंशनों के बारे में चर्चा करेंगे। मानवीय व्यक्तित्व का कौन सा ऐसा स्तर है जहाँ पे व्यक्ति रोगग्रस्त हो जाता है, उन रोगग्रस्त अंगों को हम देखेंगे, उस भाग को देखेंगे और उसके वैज्ञानिक चिंतन और दृष्टिकोण से उसका अध्ययन करके पहचानने का प्रयास करेंगे। मानवीय व्यक्तित्व को वह अंश जिस अंश पे, जिस स्तर पे रोग आने से व्यक्ति का व्यक्तित्व बिखर जाता है, टूट जाता है, आइए उन्हीं के बारे में हम क्रमशः चर्चा करते हैं। सबसे पहले जानते हैं हम लोग चेतना। चेतना एक गूढ़ एवं व्यापक विषय है क्योंकि यह सृष्टि के कण कण में व्याप्त है। एक ऐसी शक्ति और ऐसे सामर्थ्य है जो सृष्टि के कण कण में व्याप्त है। कहा भी गया हरि व्यापत सर्वसमाना, जो प्रत्येक वस्तु में, प्रत्येक प्राणियों में जो वास करता है वो चैतन्य शक्ति ही है, चेतना का वह अंश ही है। वैसे अंग्रेजी में इसका जो पर्याय है वो कॉन्शसनेस है। ये लैटिन शब्द के मूल दो शब्द मिलके बना हुआ है जिसे कॉन और शायर कहते हैं। इसका अर्थ होता है बोध, अभिज्ञा, अवेयरनेस। यहां बोध का अर्थ होता है अपने बारे में स्वयं को जानना, ज्ञान। अगर मनुष्य को आत्मबोध होता है तो भी उसकी चेतना की वो उच्चतम स्थिति पे होता है। और अविज्ञा एक जो अवेयरनेस है, सजग जान, उसके प्रति हम लोग क्या है, विज्ञ हो। चैतन्यता, सजीवता और सजगता, इसके बारे में पूर्व की क्लास में भी हम चर्चा कर चुके हैं। जो पूरे सृष्टि, पूरा ब्रह्मांड और जहां तक हमारी दृष्टि जाती है वहां चेतना का कण बिखरा हुआ है। अन्य शब्दों में यूं कह सकते हैं जहां चेतना नहीं है उससे उसका अस्तित्व इस सृष्टि से समाप्त हो जाती है। जो चैतन्य है, जो जागृत है, जिसमें प्राण है, वही इस सृष्टि में क्रियाशील है और क्या है, अपना अस्तित्व बनाए रखा है। अणु में, परमाणु में भी चेतना का अंश है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, इनमें भी चेतना की शक्ति विद्यमान है, वही चैतन्यता उसमें भी कार्य कर रही है। तो चेतना हमारे सभी, हमारे अस्तित्व में, हमारे व्यक्तित्व में, सभी में समाया हुआ है। अमेरिकी वैज्ञानिक, वैदिक मनीषी डॉक्टर डेविड थाले, इन्होंने कहा है कि यह सृष्टि की सबसे अद्भुत चीज है। इसकी गहराई और व्यापकता की कोई सीमा नहीं है। कॉन्शसनेस इज द मोस्ट वंडरफुल थिंग इन द यूनिवर्स, देयर इज नो लिमिट टू इट्स डेप्थ एंड ग्रेथ। अर्थात इसकी गहराई कितनी है और इसकी व्यापकता कहाँ तक है, इसे जान पाना शायद संभव नहीं है। फिर भी एक दृष्टिकोण से कहा जा सकता है चेतना कण कण में व्याप्त है, चेतना अणु अणु व्याप्त है, सभी जगह चैतन्य शक्ति है, चेतना के अंश हर जगह संव्याप्त है। प्रख्यात मनोविद पेनरोज, इन्होंने चेतना को बोध के समानार्थी माना है। उन्हें कहा है कि मन और आत्मा दोनों ही चेतना के अर्थ को व्यक्त करता है, किंतु स्पष्ट रूप से परिभाषित नहीं है, क्योंकि मनोविज्ञान आत्मा को मन के रूप में और चेतना के रूप में अभिव्यक्त कर रहा है, जो कि उचित नहीं है, क्योंकि चेतना परमात्मा का दिव्य अंश है और मन क्रिया शक्ति है, आत्मा की क्रिया शक्ति मन है। तो सभी को एक साथ देखना और एक साथ देखने के साथ चैतन्यत्व को पहचान पाना मुश्किल सा है, इसलिए इन्होंने इसे परिभाषित, स्पष्ट रूप से परिभाषित न होने की बात कही है यहाँ पे, क्योंकि चेतना को देखना है तो हमारे उस दृष्टिकोण से देखना है, उस बोध, उस अभिज्ञा के दृष्टिकोण से देखना है, चैतन्यता को सजगता के दृष्टिकोण से देखना है। अगर जब तक व्यक्ति को दृष्टि, उस समग्र दृष्टि प्राप्त न हो, तब तो चेतना को उस रूप में देख पाना जो हर जगह तुझ में, मुझ में, सब जगह वो चेतना का स्वरूप दिखने लग जाए।
साथियों, मनोविज्ञान में मानव चेतना, ह्यूमन कॉन्शियसनेस इन साइकोलॉजी, चेतना उस मानसिक स्थिति से है जिसमें वह संवेदन और इंद्रिय बोध ग्रहण करता है। नंबर वन, अर्थात जिसमें इमोशंस है, जिसमें सेंसिटिविटी पावर है, हमारी इंद्रियों के साथ हमारी जो सेंस ऑर्गन्स है, कितने सेंस ऑर्गन्स? 11 सेंस ऑर्गन्स हमारे पास, 5 ज्ञानेंद्रिय, 5 कर्मेंद्रिय और 1 मन है। इसके प्रति हम संवेदनशील है क्या? दूसरा जो दिया गया है, उत्प्रेरक के प्रति प्रतिक्रिया व्यक्त करना, जो इस्टुमेटर है, जो उत्प्रेरक है, उसके प्रति यदि कोई क्रिया होती तो क्या प्रतिक्रिया व्यक्त करते हैं क्या? तो क्रिया प्रतिक्रिया का जो कारक है उससे भी हम चेतना को पता करते हैं अकॉर्डिंग टू साइकोलॉजी। भाव और संवेग तो होता है उसमें, भावना और संवेग, अर्थात उसमें सुख दुख और उसे फीलिंग करने की जो सामर्थ्य है, उसके द्वारा चेतना की स्थिति को हम लोग ज्ञात कर पाते हैं। और नंबर चौथा दिया गया, विचार कल्पना आदि कर सकता है। कहा गया है चेतना या चेतना की उस स्थिति को मानेंगे जिसमें विचार और कल्पना करने की शक्ति है। कल्पना हमारे मस्तिष्क में उठने वाली तरंग है और उन अनंत तरंगों में से जो एक छट करके, एक तैयार हो करके, एक हमारे पास मूर्त रूप बनकर आता है, उसको हम लोग विचार कहते हैं। और यही विचार से हमारा जीवन और हमारा व्यक्तित्व बनता है। उपयुक्त इन चारों तथ्यों का बोध कराता है उसी को चेतना की उस मानसिक स्थिति के रूप में देखते हैं कि चेतना किस स्तर पे हमारे पास है। मस्तिष्क के अलग अलग डायमेंशन में उसको जानने का हम लोग प्रयास करते हैं अकॉर्डिंग टू मनोविज्ञान। आधुनिक मनोविज्ञान में चेतना का जो स्वरूप सिगमंड फ्रायड के अनुसार देखा जाए तो चेतना के 3 खंड माने गए हैं, चेतन, अवचेतन, अचेतन। इसी को कॉन्शियस, अनकॉन्शियस या इसको प्री कॉन्शियस या अनकॉन्शियस कहते हैं हम लोग। अच्छा, प्री कॉन्शियस को ही सबकॉन्शियस कहा जाता है, सबकॉन्शियस माइंड। तो ये चेतना का 3 परत है। और आप जब इस फोटोग्राफ में देख भी पा रहे हैं प्रेजेंटेशन में, कि ऊपर का जो कॉन्शियस पार्ट है वो ओनली फॉर 10% है हमारे पास। 10 भाग ही जो चेतना के हम चेतन रूप में देख पाते हैं, लेकिन अवचेतन और अचेतन जो कि 90% वो हमारे व्यक्तित्व के अंदर छिपा हुआ होता है, लेकिन वो सबसे बड़ा भाग होता है, उसी से हमारा व्यक्तित्व प्रभावित होता है और जीवन में उठने वाली सारी भाव तरंगे और जितने भी प्रॉब्लम्स हमारे अंदर क्रिएट होती है वो वहीं से आती है बाहर। हमें इन चेतना के इन स्तरों को जानने की हमें आवश्यकता है कि चेतन, अवचेतन और अचेतन तीनों हमारे व्यक्तित्व को प्रभावित करता रहता है। विशेषतर अवचेतन वह है जो हमारे मन की, अर्थात दिखने वाली जो ऊपरी भाग है, चैतन्य शक्ति उसकी कुछ अंदर ही छिपा हुआ होता है। जैसे आप देखे होंगे कि आइसबर्ग होता है, बहुत बड़ा आइसबर्ग है समुद्र में या कहीं कहीं भी आप तैर रहे हो, देखें आप पानी में, सरोवर में, तो उसके केवल 10% भाग बाहर दिखाई पड़ता है, 90% भाग पानी के अंदर में होता है। साथ ही वो 90% भाग ही है, वही अस्तित्व का कारक है जो 10% बाहर दिखाई पड़ता है। सब कुछ प्रभावित होता है उसी 90% के कारण, ऊपर दिखने वाले चेतना के 10% का। प्रख्यात मनोवैज्ञानिक कार्ल जंग, इन्होंने मानवीय चेतना को चित्त के रूप में परिभाषित किया गया, जिसके 2 घटक माने गए हैं, अचेतन और चेतन मन। अचेतन को प्राथमिक तथा चेतन को द्वितीयक माना गया है। यहां पे आप अचेतन को प्राथमिक माने, अचेतन मन निचले वाले परत और चेतन मतलब जो 10% भाग जो कि ऊपर दिखाई पड़ रहा है, चेतन मन का ऊपरी भाग तथा अचेतन के बिना ठहरे ही नहीं सकता, इसलिए ये प्राइमरी है। क्योंकि जो हमारे चैतन्य अर्थात हम जो सजग अवस्था में जो बाहर दिखाई पड़ता है उसका सभी का कारक परिणाम वो हमारे अचेतन का भाग होता है, इसलिए प्राइमरी है। और सेकेंडरी जो बाहर रिफ्लेक्ट हो रहा है वो चेतन हमारी चैतन्यता के अंदर में है, जो हम जीवन में क्रिया और प्रतिक्रिया हम लोग करते हैं उसका परिणाम है।
हमारे सारे, यदि हम अध्यात्म या अन्य लैंग्वेज में बात करें तो हमारे जीवन के सारे कर्म संस्कार जो हमारे अचेतन की गहराई में है वही प्रस्फुटित होकर हमारे ग्रह सामान्य अवस्था में हमारे व्यक्तित्व की ऊपरी परत में दिखाई पड़ता है, उसको हम फील करते हैं और अनुभव कर पाते हैं। चेतना मानसिक सक्रियता के पीछे निहित तत्व है, ये तीन है महत्वपूर्ण, चिंतन, भावना और संकल्प अर्थात सहज बोध। अर्थात चिंतन जो हमारे सोचने समझने की जो क्या है तौर तरीका है, और भावना हमारा फीलिंग है किसी चीज को किस भाव से लेता है। संकल्प जो होता है ये होता है कार्य करने के लिए हमारा विल पावर, इंट्यूशन कितनी इंपॉर्टेंट चीज हमारे पास। ये तीनों से हमारी जो मानसिक सक्रियता बनती है और इसी से हम चेतना के स्तर को अलग अलग रूप में देखते हैं। लेकिन कहा गया किंतु यह स्वयं में न तो चिंतन है न भावना है और न ही क्या ये इच्छा और संकल्प है, बल्कि इन तीनों के मूल में निहित सामान्य चैतन्यता का तत्व ही चेतना है। इन तीनों के मूल में जो है चैतन्यता है, चेतना एक मूल रूप में विद्यमान है जिसके अकॉर्डिंग हम सारे कार्य करते हैं, हमारा व्यक्तित्व बनता है। ये व्यक्तित्व के त्रिसूत्र है चिंतन, भावना और संकल्प, लेकिन ये तीनों होता जब है तो चैतन्यता के गुण यहाँ पे विद्यमान होता है। इनके मूल में चेतना की शक्ति अभिभूत होता है। भारतीय मानस शास्त्र का जहां पे नाम आता है वो है भगवद्गीता, श्रीमद भगवद्गीता। इसमें मानव चेतना की स्तर, मनुष्य की सामान्यता और असामान्यता को गीता में सत, रज और तम के रूप में आधार पे इसे माना गया है। कहा गया है सत्वम रजस्तम इति गुणा प्रकृति संभवा, भगवद गीता के 14 अध्याय के 5वां नंबर श्लोक में बात कही है। अर्थात मानव चेतना की संपूर्ण संरचना इन्हीं तीन तत्वों से मिलकर बनती है, इन्हीं तीनों गुणों का प्रभाव मानव व्यवहार पर पड़ता है। रजस तमस चाभिभूय सत्वम भवति भारतः, रज सत्वम तमस चैव तम सत्वम रजस तथा। अर्थात इस सूत्र का मतलब ये है कि हमारा व्यक्तित्व कैसे बनता है। सत्व अपना कार्य रज और तम को दबाकर करता है। अगर सत्व अगर सात्विकता जीवन में अधिक है तो दो गुण हमारा दबा हुआ रहेगा जिसमें से रज और तम है। लेकिन जब व्यक्तित्व ज्यादा क्रियाशील होगा तो निश्चित तौर पर सत्व कुछ कम होगा और तमोगुण भी उससे क्या है दबा हुआ होगा। लेकिन जब जीवन में जब तामसिक या तमोगुण की वृद्धि होती है तो सत्व और रज दोनों तमे दब जाते हैं और व्यक्ति के जीवन में तमोगुण अर्थात निष्क्रियता के भाव ज्यादा होता है। अर्थात व्यक्तित्व का समग्र स्ट्रक्चर जो इन तीनों गुणों के आधार पर, हमारा चेतना का जो स्तर जो है सत्व रज और तम तीनों गुणों के आधार पर भी हम इसे क्या है अभिव्यक्त कर सकते हैं, इसको डिवाइड किया जा सकता है। योग दर्शन में मानव चेतना की अवस्था, महर्षि पतंजलि ने मानव चेतना के इस स्तरों को महत्वपूर्ण कहा गया है। सबसे पहले ने योग को परिभाषित किया योग चित्त वृत्ति, चित्त के वृत्तियों का निरोध। तो हमारे चित्त की जो ये अवस्थाएं हैं इसको महर्षि व्यास ने जब पतंजल योग भाष्य पे भाष्य लिखा तो उन्होंने इस चेतना की अलग अलग अवस्थाओं के बारे में बात कही है, जिसमें से ये पांच अवस्थाएं जो कि मैं फोटोग्राफ में भी आपके सामने दिखा पा रहा हूँ। मूड, जो पहला फोटोग्राफ आप देख रहे हैं मूड, दूसरा है क्षिप्त, तीसरा है विक्षिप्त, चौथा एकाग्र और पांचवा है निरुद्ध। ये पांच हमारे पास अवस्था चेतना की है। अब इन पांचों चेतना की ये अवस्थाएं अर्थात चित्त की अवस्थाएं, क्योंकि इसी के अकॉर्डिंग हमारा व्यक्तित्व आगे बढ़ता है, स्टेप बाय स्टेप हम आगे बढ़ते चले जाते हैं। और योग दर्शन को वास्तविकता में देखा जाए तो ये हमारे अध्यात्म का मनोविज्ञान है, मन का विज्ञान कह सकते हैं, क्योंकि योग दर्शन में मनुष्य के सारे मानसिक क्रियाओं को कैसे नियंत्रित कैसे कंट्रोल किया जाए इसके बारे में महर्षि पतंजलि ने इस राजयोग के महत्वपूर्ण ग्रंथ में महत्वपूर्ण और स्पष्ट स्पष्ट रूप से व्याख्या और प्रकाश डाला है। मनोविज्ञान की दृष्टि से प्रारंभिक दो अवस्थाएं कौन कौन सी, दो अवस्थाएं क्षिप्त और मूड और क्षिप्त, जो प्रारंभिक दो है जो फोटोग्राफ में भी आप देख पा रहे हैं। सामान्य व्यवहार से विचलित व्यक्ति की स्थिति है अर्थात इसको एबनॉर्मल बिहेवियर या एबनॉर्मल पर्सनालिटी कह सकते हैं,
गंभीर विकृत अवस्था कहा जा सकता है, जो सामान्य अवस्था से व्यक्तित्व हटा हुआ होता है। और सामान्य मनुष्य की स्थिति वो थर्ड नंबर तीसरा नंबर का है जिसको हम विक्षिप्त अवस्था में कहते हैं। अगर मानवीय व्यक्तित्व कहा जाए कि विक्षिप्त अवस्था में व्यक्ति जीवन जीता है तो ये अतिशयोक्ति नहीं है। सामान्य से थोड़ा व्यक्ति ऊंचा उठ जाता है तो वो होता है यहां पर एकाग्र, और जब योगी जन होता है जो ध्यान और समाधि की अवस्था में, वही निरुद्धावस्था में होता है। पहले गुण के बारे में चर्चा करते हैं हम लोग। अगर इस चेतना की उस स्तर के बारे में बात कर रहे हैं मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण से, तो पहला अवस्था मूढ़ावस्था है। इस अवस्था में तमोगुण प्रधान होता है। भगवद गीता में कहा है ना कि तमोगुण की जब प्रधानता होती है तो सत्व और रज दोनों गुण दबे होते हैं, और मनुष्य में निद्रा तंद्रा आलस्य मोह भय भ्रम और दीनता की स्थिति में वह व्यक्ति पड़ा रहता है। उनकी सोच विचार की शक्ति कुंड पड़ी रहती है। तो ये जो उनकी जो सोचने विचारने की क्षमता जो कुंद सी रहती है, या यूं कह सकते हैं वो कुछ सोच ही नहीं सकता, विचार शून्य अवस्था होती है, विवेक शून्य अवस्था में रहते हैं। अर्थात उसकी जीवन में, उसके चिंतन में, उसके विचारों में एक द्वंद बनी रहती है। काम क्रोध लोभ मोह के वशीभूत होकर वह सब तरह के अवांछनीय और नीच कार्य करता है। मादक द्रव्यों का सेवन करता है वो। तो ऐसा व्यक्ति को हम यूं कह सकते हैं एक तरह से ये मानवीयता से पतित व्यक्ति होता है, जो समाज में निकृष्ट कार्य करता है, उन्मुक्त और नीच मनुष्य की होती है। अर्थात यदि मनुष्य जीवनी में, मनुष्य जीवन में सबसे निकृष्टतम स्थिति जो होती है, पतित अवस्था होती है, उसे हम कह सकते हैं ये मूढ़ावस्था। ये मूढ़ावस्था ये पहला, और यही इसको यदि आपको साइकोलॉजी मनोविज्ञान की भाषा में यदि आपको सिजोफ्रेनिक कहा जाए, सिजोफ्रेनिक जो व्यक्ति होता है उनकी स्थिति इस कंडीशन में होता है। ना उसके पास विवेक होता है और न ही उसके निर्णय क्षमता होती है। वो कुछ से कुछ अपने आप को दिखाता रहता है, बनाता रहता है। जैसे व्यक्ति मादक द्रव्य पीने के बाद व्यक्ति कुछ भी कहता है, जीवन में किसी प्रकार का कोई भी वो नया क्या है कहानी करता है, नया मनगढ़ंत कोई भी विचारधाराएं पैदा करता है और समाज के सामने उसको अभिव्यक्त करता रहता है। तो मूढ़ावस्था एक तरह से कहा जाए ये मनोवैज्ञानिक विकृतियां यहाँ पे सबसे मूल रूप में होती है, चरमोत्कर्ष पे होती है। दूसरा है क्षिप्तावस्था। इस अवस्था में रजोगुण प्रधान रहता है। पहले में तो तमोगुण प्रधान था, यहाँ पे रजोगुण प्रधान है, तथा सत्व और रज दबे होते हैं। अब चित्त इसमें अति चंचल होता है, जो निरंतर सुख साधनों के पीछे भागता है, सांसारिक सुविधाओं के सुख सुविधाओं के पीछे भागता रहता है। इसको 99 के चक्कर भी लोग कहते हैं इसको। यह मन की बहिर्मुखी अवस्था है। ये व्यक्ति अंतर्मुख नहीं हो सकता है, हमेशा एक्सट्रोवर्ट होता है। इस अवस्था में चित्त बार बार अशांत और अस्थिर बना रहता है। और चित्त यदि यहाँ चित्त की बात आ रही, चित्त हमारे कर्माशय जिसे हमने बात कही थी, जहाँ हमारे सारे कर्म संस्कार सन्निहित होते हैं, इकट्ठा होते हैं, और इसी के द्वारा जन्म जन्मांतरों तक हमारे संस्कार गति करता है। ये चित्तावस्था जो मन की बिखरी हुई अवस्था है, व्यक्ति अपने विचार और भावनाओं को कंसंट्रेट नहीं कर पाते। मानसिक क्रिया पर इस अवस्था में कोई नियंत्रण नहीं रहता, कोई कंट्रोल नहीं रहता इसका। अनकंट्रोल थॉट्स इसके अंदर में मस्तिष्क में चलता रहता है। वह इंद्रियों मस्तिष्क मन की अभिरुचियों कल्पनाओं एवं निर्देशों के इशारों पर नाचता रहता है। वो इंद्रियों के अपने कंट्रोल न करके इंद्रियों के खुद कंट्रोल में रहता है, और जो इच्छाएं होती है उसके अंदर में वो व्यक्ति करते रहते हैं। अन्य शब्दों में कहा जाए तो संयम का इसके जीवन में अभाव होता है, असंयमित जीवन जीता रहता है। ये भी निश्चित तौर से हमारे व्यक्तित्व का यूं कह सकते हैं विकृत अवस्था है। लेकिन प्रथम अवस्था जो मूढ़ावस्था है, इससे कुछ बेटर है। बट ये व्यक्ति हमेशा क्या है, तनाव में, चिंता में और अवसाद में भी रहता है। इस दशा में राग द्वेष पूर्ण जीवन बनी रहती है।
यह सुख दुख हर्ष विषाद चिंता और शोक के कुचक्र में उलझा रहता है, क्योंकि जब व्यक्ति का महत्वाकांक्षाएं व्यक्ति की इच्छाएं जब ज्यादा होती है तो निश्चित तौर जीवन में शोक दुख हर्ष विषाद बहुत सारे उसके अंदर जीवन में आ जाती है। इसमें जब तमस सत्व को दबा देता है, क्योंकि यहां पे रजोगुण की प्रधानता है, तो हमारे जीवन क्या है, अधर्म अवैराग्य अनैश्वर की प्रवृत्ति होती है। आधुनिक मनोविज्ञान की दृष्टि में देखा जाए तो यह अवस्था सर्वथा असामान्य एबनॉर्मल मानसिक रूप से अस्वस्थ व्यक्ति के मेंटली अनहेल्दी पर्सन कह सकते हैं, अनहेल्दी पीपल कह सकते हैं, विशेष तौर से इसको न्यूरोटिक, जो साइकोटिक और न्यूरोटिक दो स्तर पे हम मानसिक रोग को डिवाइड करते हैं, इसमें से न्यूरोटिक की स्थिति में इसको रख सकते हैं। नेक्स्ट अगर अगले क्रम के बारे में चर्चा करें तो विक्षिप्त अवस्था है। ये विक्षिप्त अवस्था वास्तव में देखा जाए तो सामान्य मनुष्य की अवस्था है। इस अवस्था में सत्व गुण प्रधान रहता है। सत्व गुण थोड़ा पूर्ण प्रधान तो नहीं कर सकते, लेकिन सत्व गुण की थोड़ी प्रधानता होती है। रजोगुण और तमोगुण दबे रहते, लेकिन रज भी इसमें क्रियाशील होती है, तमोगुण कुछ कम मात्रा में होते हैं, बट हाँ सत्व की थोड़ी प्रधानता, पूरी प्रशांतता नहीं। जैसे सत्व गुण की प्रधानता बढ़ती जाती है, वैसे हमारा एकाग्र और निरुद्ध अवस्था में आगे बढ़ते जाते हैं और रजोगुण और तमोगुण की मात्रा और भी घटती जाती है। चित्त कभी चंचल और कभी स्थिर रहता है, यहाँ दोनों स्थिति बनी होती है, क्योंकि यहाँ पे रजोगुण भी उस पर सत्व पे हावी होता रहता है। इसमें व्यक्ति ज्ञान धर्म वैराग्य ऐश्वर्य में प्रवृत्त होने के लायक, क्योंकि सत्व की प्रधानता है ना, काम क्रोध लोभ आदि गौण थोड़ा सा मार्ग में कम होता है, संसारिक विषय भोगों के प्रति रुचि रहती है, पूर्णता रुचि जाती नहीं है, निष्काम कर्म में प्रवृत्त होता है, थोड़ा कुछ ऐसा संसारिक समाज के लिए कुछ दूसरों के लिए करने की प्रवृत्ति इसके अंदर पनपने लगती है। चित्त में स्थिरता स्थायी नहीं रहती, थोड़ी बहुत आती है, फिर व्यक्ति क्या करता है, फिर वो अस्थिर हो जाता है। चित्त का पूर्णतः निरोध नहीं हो पाता, कर्म संस्कार इसमें बने रहते, हम संस्कारों के अधीन होकर के इसमें कार्य करते रहते हैं। एकाग्रता प्रारंभ हो जाती है, एकाग्रता की ओर हम कहे रास्ता बनाते हैं, लेकिन एकाग्र अवस्था में नहीं आते। खुश प्रसन्न उत्साही धैर्यवान दानी दयालु दयावान वीर्यवान क्षमाशील उच्च विचार वाला और श्रेष्ठ होते हैं। अब इसको यदि मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण से देखा जाए तो यह अवस्था सर्वथा सामान्य मनुष्य का है। नॉर्मल मनुष्य, नॉर्मल पर्सन जो बिहेव करता है तो मानसिक रूप से ये मेंटली हेल्दी पीपल है, और इसी स्तर पे व्यक्ति हो सकता है दुखी भी हो सकता है और खुश भी हो सकता है, तो ये पांचों में से ये मिडिल पोजिशन है। अगर व्यक्ति के अंदर सत्व की अधिकता होती है तो वो श्रेष्ठता की ओर आगे बढ़ता है, लेकिन रजोगुण की वृद्धि होती है तो व्यक्ति पुनः फिर चित्तावस्था में चला जाता है। तो आवश्यकता में कि योगी प्रक्रियाओं के द्वारा हम एकाग्र अवस्था और निरुद्ध अवस्था की ओर आगे बढ़े। गीता में एक हेल्दी पर्सन है, अगर कोई हेल्दी पर्सन है तो उसके क्या, उसके गुण क्या होगा, उसे भगवत गीता में भगवान कृष्ण ने कहा है, मना प्रसादा सौमत्यम मौनमात्मा निग्रह विनिग्रह भाव संशुद्धि तपो मानस समुच्चते। मन की प्रसन्नता, शांत भाव, भगवत चिंतन करने का स्वभाव, मन का निग्रह और अंतःकरण के भावों की पवित्रता। कहते हैं यदि व्यक्ति वास्तविकता में मानसिक रूप से स्वस्थ है तो मानसिक रूप से अगर मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण से देखा जाए तो कहते हैं कि मन में प्रसन्नता होना चाहिए, चित्त कैसा होने शांत, चिंतन भगवत चिंतन हो, मन कहीं इधर उधर ना भगने वाला हो, स्थिर हो। इन मना संबंधी तप को गीता में समग्र मानसिक होलिस्टिक मेंटल हेल्थ के रूप में ले लिया गया है। तो समग्र मानसिक स्वास्थ्य के एक महत्वपूर्ण सूत्र यहाँ पे दिया गया है, इस पे हमें चिंतन करना चाहिए। अगर अन्य और भी इस पे चिंतन करें
तो मेंटली जो हेल्दी पीपल है उसमें क्या क्या हो सकता है? सेल्फ नॉलेज, अगर व्यक्ति को अपने बारे में जानकारी लेने का, ज्ञान लेने का, मैं कौन हूं, कहां से आया हूं, क्यों आया हूं, या अपने क्वालिटी, अपने इनर पावर, अपने अस्तित्व के, अपने व्यक्तित्व के बारे में खुद को कम से कम ज्ञान तो कर क्या सकता है, कितनी शक्ति और सामर्थ्य है। सेल्फ इवोल्यूशन, व्यक्ति अपना मूल्य पहचान सकता है। परम पूज्य गुरुदेव पंडित श्री राम शर्माचार्य ने कहा है कि मनुष्य अपने मूल्य खुद पहचान सकता है, और जो व्यक्ति अपना मूल्य जानता है उस संसार में बहुत कुछ कर सकता है। अपना मूल्य व्यक्ति को पहचानना चाहिए और उसे पहचान करके आगे बढ़ना चाहिए। तो सेल्फ इवेल्युएशन, अपने मानवीय मूल्य को पहचाने और मानवीय मूल्य के अकॉर्डिंग अपनी ह्यूमन वैल्यू है उसको आगे बढ़ाए। सेल्फ इस्टीम, हमारे अंदर की जो शक्ति है, अपनी पावर है, उसको हम विकसित करने की शक्ति और सामर्थ्य हो। हम कैसे अपने अंदर की पावर को, अपने अंदर की प्रतिभा को, अपने अंदर की क्षमता को विकसित कर सकते, अगर विकसित करता है व्यक्ति और वो बाहर दिखता है कि हाँ व्यक्ति अपने अंदर के स्टीम को, अपने अंदर की शक्ति और सामर्थ्य को बाहर निकाल पाने में सक्षम है, तो निश्चित रूप से कह सकते हैं ये व्यक्ति मेंटली रूप से हेल्दी है। फीलिंग ऑफ द सिक्योरिटी, व्यक्ति अपने आप को सुरक्षित अनुभव करता है, और जो असुरक्षित अनुभव करता है वो व्यक्ति तो मानसिक रूप से ऐसे ही स्वस्थ नहीं होता है। अगर व्यक्ति को अपने पे खुद पे विश्वास है तो निश्चित व्यक्ति अपने आप को सिक्योर समझता है, फील करता है, और जो अपने आप को असिक्योर फील करता है तो समझिए वो व्यक्ति मानसिक रूप से स्वस्थ नहीं है। रियलिस्टिक परसेप्शन, परसेप्शन जो हमारी सही होनी चाहिए, और जो स्वस्थ रहता है मानसिक व्यक्ति की, उसकी जो परसेप्शन होता है ना, किसी चीज़ को देखने का जो नज़रिया, दृष्टिकोण, किसी चीज़ को हम किस एंगल से देखते हैं। किसी दो वस्तु को हम लोग देखते हैं लेकिन दो वस्तु को देखने के नज़रिया हर व्यक्ति के पास अलग अलग होता है। अगर एक गिलास पानी, आधा गिलास पानी कोई लाता है तो कोई कहता है कि पूरा भरा हुआ है, कोई कहता है कि आधा भरा हुआ है, कोई कहता है आधा खाली, कोई कहता है आधा भरा हुआ है। तो ये नजरिया, दृष्टिकोण ही तो है, परसेप्शन ही तो है। तो हेल्दी पर्सन होते हैं उसकी परसेप्शन बिल्कुल क्लियर होती है, बल्कि पॉजिटिव होती है। गुड मेंटल हेल्थ, क्लियर लाइफ को, जीवन का लक्ष्य उसका बिल्कुल स्पष्ट होता है। उन्हें क्या करना है जीवन में, क्या पाना है, क्या नहीं करना है, वो सारे उनके पास स्पष्ट होता है। हम अपने आप में जरा चिंतन करें कि हमारा व्यक्तित्व वैसा है कि हम अपने लाइफ को ऐसा सूटेबल बना पा रहे हैं, हम अपने जीवन के गोल निश्चित किए हैं या नहीं किए। यदि नहीं किए तो समझिए कि हम भी उस कैटेगरी में, इसके बारे में चर्चा नहीं करूंगा। क्लियर कट फिलोसफी ऑफ लाइफ, जीवन का दर्शन बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए। दृष्टिकोण, दर्शन मतलब देखने का नजरिया, जीवन को हम देखते हैं किस एंगल से। सूर्य दुर्लभ मानव जीवन कहा गया, मानव अपने अस्तित्व, अपने व्यक्तित्व को, अपने जीवन को किस दृष्टिकोण से देखता है। देखने का नजरिया, देखने का जो आईना एंगल है वो बिल्कुल सही या नहीं है। अगर आपको लगता है कि मनुष्य योनि निश्चित तौर से दुर्लभ है तो इसका हमें मूल्य करना चाहिए, इसमें कुछ श्रेष्ठ करना चाहिए, कुछ अच्छा करना चाहिए, यदि ऐसा चिंतन और भाव आता है तो निश्चित तौर से आप हेल्दी है। एबिलिटी टू बी हेल्दी, आप खुश रहते हैं, इतनी शक्ति और सामर्थ्य थे, हमेशा खुश रहने का प्रयास करते हैं और खुश रहते हैं, तो ये शक्ति और सामर्थ्य व्यक्ति के पास है, प्रसन्नता का भाव है, मुस्कुराता हुआ चेहरा है, तो निश्चित मानी हुआ व्यक्ति क्या है, हेल्दी है। एब्सेंस ऑफ टेंशन एंड स्ट्रेस, तनाव, और ये चिंता तनाव जो होती है उसके अंदर तो होता ही नहीं है, व्यक्ति मुस्कुराता रहता है, हंसता रहता है। तो हंसता हुआ, मुस्कुराता हुआ जीवन निश्चित तौर से यही तो प्रेम और साकार से भरा हुआ परिवार धरती का स्वर कहा गया है। सेटिस्फैक्शन ऑफ डिजायर, जो व्यक्ति अपने इच्छा होती है ना, इच्छा के संतुष्ट होता है, या सब व्यक्ति के जीवन में संतुष्टि होती है,
ऐसा नहीं कि अनसेटिस्फाइड जीवन नहीं होता, वो कहता है कि जो दिया है परमात्मा ने वो सब कुछ है, तो उससे व्यक्ति क्या है सेटिस्फाई होता है। तो ऐसे व्यक्ति जो सेटिस्फाई है लाइफ के लिए जिस कुछ परमात्मा ने दिया है, तो निश्चित तौर मेरे व्यक्तित्व के लिए, मेरे जीवन के लिए महत्वपूर्ण है। एबिलिटी टू फॉर्म सेटिस्फाइंग रिलेशनशिप। वे जिस स्थिति में, जिस पारिवारिक स्थिति में जहाँ पे भी रहता है, वह अपने रिलेशनशिप को सही तरह बनाए रख सकता है और रिलेशनशिप को बनाए रखने में सामर्थ्य होता है वो। मान ले जाए अगर हमारा परिवार, हमारा संबंध ऐसे व्यक्ति के साथ बना हुआ है जिससे हमारा संबंध मुश्किल पड़ रहा है, फिर भी व्यक्ति के अंदर इतनी सामर्थ्य होता है कि उसे निभा लेता है, तो समझिए वो हेल्दी पर्सन है। अगर वो बात बात पे चिढ़ता है तो समझिए व्यक्ति कहीं ना कहीं वो अनहेल्दी है। तो रिलेशनशिप भी कैसी होनी चाहिए, हेल्दी होनी चाहिए, तभी हम समझ सकते हैं व्यक्ति मानसिक रूप से स्वस्थ है। साथियों, चौथा नंबर जो स्थिति, जो मन के बारे में बात कर रहे थे हम लोग, वो एकाग्र अवस्था है। इस अवस्था में चित्त सत्व स्वरूप में, सत्व के स्वरूप में होता है। रज और तम अब थोड़ा नाम मात्र रहता है, कम हो जाता है, निर्मल स्फटिक मणि के समान पवित्र और स्थिर हो जाता है और व्यक्ति का मन, व्यक्ति का चित्त एकाग्र होता है। इसमें पूर्व में बाह्य विषयों के संस्कार बचे होते हैं। बाह्य विषयों के संस्कार मतलब कुछ ऐसा है जो हमारे जन्म जन्मांतरों के कई संस्कार होते हैं, वो संस्कार व्यक्ति के पास रहता है, उसे पूर्ण रूप से क्या है उस व्यक्ति को उसे भोगना होता है। चित्त एकाग्र हो जाता है, जिसमें भी मन लगाता है वहां पे चित्त स्थिर होने लग जाता है, अर्थात अभ्यास और वैराग्य की स्थिति इसमें क्या है प्रगाढ़ता से होती है। चित्त के पूर्ण निरोध तो नहीं हो पाती, लेकिन इसकी निरोधावस्था की प्रारंभिक अवस्था होती है एकाग्रता अवस्था। कर्म संस्कार बचे रहते हैं, फिर भी यह योग में पूर्णता क्या है सहायक अवस्था है। हम समाधि की अवस्था में जाने से पहले ये अवस्था को हम प्राप्त करते हैं, जिसे हम लोग एकाग्र अवस्था करते हैं। और एक साधक की यही अवस्था होनी चाहिए, जिसमें साधक अपने साधना की उच्चतम स्थिति में पहुंचता है। व्यक्ति यहाँ पे मानसिक विकारों से मुक्त होता है, इसमें किसी प्रकार से मानसिक विकृति नहीं आती। मानसिक विकृतियां तो इससे पहले विक्षिप्त अवस्था में परलक्षित हो सकती, थोड़ा तनाव चिंता हो सकती है, लेकिन ज्यादा चिंता टेंशन वो तो क्षिप्तावस्था की बात है। और पांचवा नंबर जो निरुद्धावस्था है, यह चित्त की संपूर्ण वृत्तियों का निरोध हो जाती है। यहाँ पे बुद्धत्व की प्राप्ति होती है, यहाँ पे चित्त पूर्ण एकाग्र होता है, कर्म संस्कार यहाँ पे समाप्त हो जाते, बिल्कुल निर्मल स्फटिक मणि के समान पवित्र स्थिर पूर्ण रूप में स्थापित हो जाते हैं। इस अवस्था में साधक को आत्मा और चित्त के भेद का साक्षात्कार हो जाता है। अब यहाँ पे ना तो चित्त होता कुछ नहीं, क्योंकि आत्मस्वरूप की दिव्य प्रकाश स्वरूप ही वहां पे क्या है प्रतिभासित होती है। चित्त आत्मस्वरूप में स्थित हो जाता है, तदा दृष्टु स्वरूपी अवस्थाना। अब इत्यादि पंच क्लेशों का पूर्ण नाश हो जाता है, पुरुष अपने स्वरूप में प्रतिष्ठापित हो जाती है। मनोविज्ञान की भाषा में बात कहें कि पूर्ण रूप से स्वस्थ पुरुषन है यह। तो पूर्ण रूप से स्वस्थ व्यक्तित्व का ये निरुद्धावस्था मनोविज्ञान के जितने भी जो चेतना की डायमेंशंस दिए, उसमें से सबसे श्रेष्ठतम और उच्चतम अवस्था जहां व्यक्ति मानसिक रूप से पूर्ण स्वस्थ रहता है। सुपर चेतन मन की आध्यात्मिक पृष्ठभूमि। चूंकि मनोविज्ञान में चेतना के तीन स्तर, चेतन, अवचेतन और अचेतन की बात कही है, लेकिन अध्यात्म भाषा में पंडित श्रीराम शर्मा आचार्य ने कहा कि एक और उसकी स्तर इसको है सुपर चेतन। और सुपर चेतन मन ही अध्यात्मिक दृष्टि से पूर्ण रूप से स्वस्थ व्यक्तित्व का वो लक्षण है। सुपर इसलिए कि उसमें उसकी प्रवृत्ति, मूल प्रवृत्ति मात्र उत्कृष्टता से ही भरपूर है। इसे ईश्वर के समतुल्य ही माना जा सकता है, अर्थात हमारा अंदर की आत्मशक्ति, हमारे आत्मा की जो पावर है वही सुपर है। स्वामी अखिलानंद जी कहा है कि जब तक व्यक्ति अध्यात्म के आदर्श को जीवन में धारण नहीं करता,
उसकी मानसिक तनाव और कुंठा की स्थायी उपचार की कोई संभावनाएं नहीं है। अर्थात हमें इस सुपर चेतन मन मनोविज्ञान के इस 3 डायमेंशन को पार करके भी और एक डायमेंशन आगे बढ़ना पड़ेगा, तब कहीं जाकर कि इस तनाव और कुंठा जितने मानसिक रोग है इससे हम निजात हमें मिल सकती है। वेदांत के सूत्र है अयम आत्मा ब्रह्म प्रज्ञानम ब्रह्म चिदानंदोहम तत्त्वमसि सोऽहम्। जिस ब्रह्म वाक्य को जीवन में व्यक्ति धारण करे और यही इसका सलूशन, यही समाधान है। मानवीय व्यक्तित्व जो बिखरा हुआ है, मानवीय व्यक्तित्व में कई प्रकार की विकृतियों का समावेश है, वे सारे के सारे विकृतियों वेदांत के इन सूत्रों को जब व्यक्ति आत्मसात करता है तो वैसे ही तिरोहित हो जाता है। हमारा व्यक्तित्व खिलने लगता है, प्रसन्नता से भर जाता है और चेतना अपने मूर्त रूप में प्रकृत होता है। साथियों, चेतना सृष्टि के कण कण में सजगता अवेयरनेस के रूप में विद्यमान है। उस चेतन शक्ति को हम पहचाने जाने और उसे जान करके उसे गति करें श्रेष्ठता की ओर। तो आज हम इसी के साथ अपने वाणी को विराम देते हैं। नमस्कार।